बड़ी खबर धारचूला से, जहां जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं लोग। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला रास्ता बंद होने से परेशानी बढ़ चुकी है और आठवें दिन भी ये रास्ता नहीं खुला। तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग आठवें दिन भी बंद है। 22 सितंबर को पहाड़ी का बड़ा सा हिस्सा गिरने के बाद ये रास्ता बंद हुआ था और तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में बीआरओ लगातार काम कर रहा है। बीआरओ की टीमें लगी हुई हैं। अभी भी कई ग्रामीण गुंजी व बूंदी में फंसे हुए हैं, जिनको वहां से रेस्क्यू करने का काम हो रहा है, लेकिन आठवें दिन भी ये रास्ता बंद है। जब आठवें दिन भी ये रास्ता नहीं खुला है तो लोगों की परेशानी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जान जोखिम में डालकर लोग अभी भी इधर से सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीआरओ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन इस रास्ते को अब तक नहीं खोला जा सका। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री धरासू बैंड पर भारी भूस्खलन हुआ है। तेज धूप के साथ ही चटक रहे हैं पहाड़ और एक बार फिर से यमुनोत्री नेशनल बंद हो चुका है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है धरासू बैंड के पास। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब जब तेज धूप हो रही है तो पहाड़ इससे चटक कर मलबों में तब्दील होकर रास्तों पर गिर रहे हैं, जिस वजह से परेशानी अब बढ़ने लगी है। भूस्खलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। यमुनोत्री हाईवे है जो कि फिर से बंद हो चुका है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुनोत्री धरासू बैंड पर भारी भूस्खलन हुआ है और तेज धूप के साथ पहाड़ चटक रहे हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। उधर अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अनिल चौहान को सीडीएस बनाए जाने पर बधाई भी दी। उत्तराखंड के एक सैनिक पर उस भी पर विश्वास करते हुए, जहां पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे उत्तराखंड से थे, आज पूर्व डीजीएम अनिल चौहान को उन्होंने सीडीएस बनाया है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ और चौहान जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। जो हमारी सैनिकों से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान होगा। और वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। परिवहन निगम को लेकर चंदन राम दास ने कहा कि परिसंपत्ति बंटवारे से मिली राशि से निगम की हालात में सुधार होगा और हाल ही में यूपी से परिवहन निगम के जो 100 करोड़ रुपए मिले हैं उसका इस्तेमाल नई बसें खरीदने में किया जाएगा। इससे हमारी स्थायी परिसंपत्तियां बनने में बहुत अच्छा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अभी 150 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहा हूं, 30 सीएनजी के वाहन खरीद रहा हूं और 30 साधारण वाहन खरीद रहा हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कुछ हमारे वाहनों पर आने वाले समय में रोक लगाने की एक बात कही है, तो 200 वाहनों का हम एक पूरा पैकेज बना के हम ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड में इन दिनों अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग किरदार अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाते हुए उनका दिल जीत रहे हैं। वहीं रामलीला में आम व्यक्ति के साथ साथ आपको मंच पर उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री भी रामलीला में किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान में काला ढूंगी विधायक है बंसीधर भगत, उत्तराखंड की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो एक मंचे हुए रंगमंच कलाकार भी हैं। विधायक बंसीधर भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में कई सालों से राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में चल रही रामलीला में 47 सालों से वो किरदार निभा रहे हैं। दशरथ के किरदार में बंसीधर भगत को पहचानना आसान नहीं लगता। वो किसी मंचे हुए कलाकार की तरह राजा दशरथ के जीवन के सभी उतार चढ़ावों को जीवंत करते हुए दिखाई देते हैं। मंच पर तो लगभग 50 साल से काम कर रहा हूँ, उससे पहले नाटकों में काम किया। 3 साल मैंने कुसुमखेड़ी की रामलीला में पाठ खेला अंगद और परशुराम का, और फिर 47 साल ऊंचापुल की रामलीला को हो गया और यहाँ पर मैंने करीब 25 सालों तक अंगद परशुराम दशरथ खेला। उनका इतना बड़ा इस उम्र में भी जिस प्रकार से आज रामलीला में प्रतिभा कर रहे हैं, मेरी अभी वार्ता हुई थी उनसे, तो एक बहुत अच्छा समाज के लिए अच्छा एक उनका अपना ध्येय है, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।
रुद्रपुर से खबर आपको दें, रुद्रपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इस चरस को यूपी के कई इलाकों में सप्लाई करता था। बरामद चरस की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अब अगली खबर चंपावत से, जहां चंपावत में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में खुलासा किया और पुलिस ने चोरी किए गए 37 मोबाइल बरामद कर लिए। अब पुलिस इन मोबाइल को उनके असली मालिकों को सौंप रही है। ये सभी मोबाइल अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने काफी मेहनत के बाद रिकवर किया। और वहीं रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज हो चुका है। मेहंदी डोरी रस्म के साथ उर्स की शुरुआत हो चुकी है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से पिरान उर्स का आयोजन विधिवत रूप से नहीं हो पाया था, मगर इस बार उर्स में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मैं जोन में एक डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी या इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी और जो हमारे 18 सेक्टर्स हैं उसमें या तो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी एसएसआई लेवल के वो हम लोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूरे मेला क्षेत्र को इन सेक्टरों और जोनों के अलावा जो हमारी पार्किंग व्यवस्थाएं हैं उसमें हमारा टीपी का फोर्स और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए टोटल जो फोर्स है उसमें करीब 6 कंपनी पीएसी और करीब 500 के आसपास हम लोग जो हमारा जो कार्मिक है उनको नियुक्त करते हैं। और वहीं गोला नदी में 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। गोला नदी में खनन कराने वाले वन विकास अधिकारी ने भले ही निकासी गेटों की तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन नदी में पानी होने के चलते सभी सीमांकन की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि वन निगम ने अपने स्तर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 11 निकासी गेटों में तैयारी शुरू कर दी है। गोला का हमारी तैयारियां तो 1 अक्टूबर से खोलने की थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में बारिश काफ़ी हुई है तो इस वजह से लगता है कि 1 अक्टूबर से हम लोग नहीं खोल पाएंगे। फिर भी प्रयासरत हैं गोला को खोलने के लिए की जाने वाली तैयारियों में वाहन का पंजीकरण हम नवीनीकरण करते हैं, वो कार्यवाही हमारे प्रारंभ कर दी गई है। हमारे गोला से संबंधित समस्त गेटों पर हमारे कर्मचारी बैठे हैं। गेटों के कार्यालय जो हैं स्थापित वो खोल दिए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। नैनीताल के आसपास के इलाकों में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इन इलाकों में ठंड बढ़ गई है, मगर इसके बावजूद लोगों में रामलीला को लेकर उत्साह कम नहीं है। लोग रात भर रामलीला का मंचन देखने के लिए डटे रहते हैं। और वहीं बारिश कम होने के बाद बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना काल के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ये सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या है। और अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी आईटीआई ब्लीडिंग के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से इसके पास रहने वाले लोगों का सांस लेने में जो तकलीफ है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। कूड़े से आने वाली बदबू की वजह से लोग परेशान हैं और इसी को लेकर लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ पे चिट्ठियां जो है नगर पालिका को दी जा रही है, मगर ये डंपिंग चौक यहाँ से नहीं हट रहा। अगर कोई इसमें कोई धन से लोग होते हैं तो ये कूड़ादान यहाँ पे नहीं होता। अगर यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जो है ये, मैं तो ये जाता हूँ कि नगर पालिका की पूरी साजिश है गरीबों को हटाने की। खबर केदारनाथ धाम से है, जहाँ केदारनाथ धाम के पास बर्फीला तूफान आने की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बर्फीले तूफान की वीडियो हेलीकॉप्टर से लिया गया है। बर्फीले तूफान का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से शूट किया गया है। बताया ये गया कि बर्फीला तूफान आज सुबह आया था। वहीं केदारनाथ मंदिर प्रशासन ने दावा किया है कि हिमस्खलन से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से इसे शूट किया गया है। केदारनाथ धाम में किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, इसका भी दावा किया गया है। हिमस्खलन की वजह से
केदारनाथ धाम को, केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये बात कही गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की ये तस्वीर बताई जा रही है। बर्फीले तूफान का वीडियो हेलीकॉप्टर से शूट किया गया है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं जिसको हेलीकॉप्टर से शूट किया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी भी तरीके से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा है इस तूफान की वजह से। और धामी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और यूकेडी धामी सरकार का घेराव करेगी। विधानसभा भर्ती और हत्याकांड मामले में प्रदर्शन विपक्ष का होगा। प्रदेश भर में यूकेडी निकालेगी जुलूस और 2 अक्टूबर को प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और यूकेडी की तरफ से धामी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया गया है। विधानसभा भर्ती का भी मामला है, इसके अलावा हत्याकांड का मामला है। रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड मामले में भी विपक्ष माहौल तैयार करेगा। यूकेडी की तरफ से 2 अक्टूबर यानी कल के दिन प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर मशाल जुलूस भी यूकेडी की तरफ से आयोजित है और कांग्रेस की तरफ से भी सरकार को घेरने की कवायद तेज है। धामी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, कांग्रेस और यूकेडी धामी सरकार का घेराव करेगी। बताएं आपको कि विधानसभा भर्ती का मामला है, इसके साथ हत्याकांड मामले में प्रदर्शन विपक्ष करेगा। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड को लेकर सरकार को घेर रही थी, विधानसभा भर्ती का मामला था ही, लेकिन अब इसमें यूकेडी की भी एंट्री हो रही है। यूकेडी की तरफ से कल प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है, किस तरीके की तैयारी दोनों पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल जी, देखिए जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और जो भी अभी तक पूरा काम किया गया है इस हत्याकांड के बाद उसको लेकर तमाम जो सवाल उठा रही है उसी को लेकर आज देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का भी है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं जो कल 2 अक्टूबर का दिन है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे प्रदेश के लोगों से आज मशाल जुलूस निकालकर ये आह्वान करने की कोशिश करेगा कि पूरे लोग जो है उनके इस जुलूस में शामिल हों, और जो 2 तारीख को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया है उसमें तमाम लोग इस आह्वान के साथ उनके साथ जुड़ें। अभी तक की अगर बात की जाए तो चाहे छात्र संगठन हो, बेरोजगार संगठन हो या फिर तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं, तकरीबन 40 ऐसी संस्थाएं हैं जो यूकेटी को अपना समर्थन दे चुकी हैं और उनके साथ उत्तराखंड बंद के ऐलान में कल प्रदेश भर में उनके साथ शामिल रहेंगी। जो 2 अक्टूबर का दिन है वो उत्तराखंड के लिए इस वजह से भी एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1994 में इसी दिन जब मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ था तो उसी के बाद एक अलग राज्य की जो कल्पना यहाँ के लोगों ने की थी, इसी कांड के बाद जब लोगों की शहादत कल के दिन हुई थी उसी के बाद ये सपना जो है उत्तराखंड का पूरा हो चुका था हुआ था और इसी वजह से ये दिन जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने चुना है। तो देखना होगा कि कल इस आह्वान पर उत्तराखंड में किस तरीके से इस बंद के पूरा मोमेंट रहता है और कितने लोगों का सहयोग इसमें रहता है। कांग्रेस इसमें अभी खुलकर सहयोग नहीं किया है लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी उत्तराखंड क्रांति दल को सहयोग करते हुए कल उनके इस आह्वान में शामिल हो सकती है। तो ऐसे में कल के दिन को चुना गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड है उसको लेकर अभी तक भी हमने देखा कि तमाम लोगों में आक्रोश है और हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इस उत्तराखंड की बेटी पर दबाव बनाया जा रहा था उसके नाम को सार्वजनिक करने और उसको इस हत्या में शामिल होने के चलते उस पर मुकदमा करने की बात जो है लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है। इसमें सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई है, जो एसआईटी गठित की गई है वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है लेकिन लगातार प्रदेश में जिस तरीके का एक आक्रोश, एक गुस्सा है वो लगातार फूटता जा रहा है। और अब कल देखना होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के आह्वान पर जहां पर बेरोजगार संगठन और विपक्ष के इस प्रदर्शन को कितना समर्थन मिलता है जनता का, ये भी देखना होगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर अपडेट देंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको दे, आज कोर्ट में होगी बॉबी कटारिया की पेशी। बॉबी कटारिया को दिल्ली से देहरादून लाएगी उत्तराखंड पुलिस और आज देहरादून कोर्ट में बॉबी कटारिया की पेशी होनी है। आपको बताएं कि 25,000 की नामी बॉबी कटारिया ने दिल्ली में सरेंडर किया था और आज बॉबी कटारिया को पेश किया जाएगा कोर्ट में, उसकी पेशी होने वाली है और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस उसे दिल्ली से लेकर उत्तराखंड पहुंचेगी और कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट की आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी ये देखना होगा क्योंकि बॉबी कटारिया की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी लेकिन समय बीतते गया, पुलिस के हाथ खाली रहे
और अब दिल्ली में सरेंडर करने के बाद अब इसकी कोर्ट में पेशी होगी। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं देहरादून से। रवि, क्योंकि ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी थी कि पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी लेकिन बॉबी कटारिया का कुछ भी पता नहीं चला, आखिरकार सरेंडर किया और अब आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, कितने बजे पेशी हो सकती है? बिल्कुल जी, देखिए तकरीबन माना जा रहा है कि करीब 2 बजे जो है बॉबी कटारिया को लेकर यहाँ पर पुलिस उसकी पेशी करा सकती है, क्योंकि 25 जुलाई की अगर बात करें तो उस दिन एक वीडियो जो है यूट्यूबर बॉबी कटारिया द्वारा बनाया गया था। 10 अगस्त को ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसके बाद 11 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर सड़क पर खुलेआम शराब पीने के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। लगातार बॉबी कटारिया को पुलिस के द्वारा नोटिस दिए गए थे लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भी बॉबी कटारिया द्वारा पुलिस को दी गई थी। उसके बाद 25,000 का इनाम घोषित किया गया और जो गैर जमानती वारंट है वो भी जारी किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। दिल्ली में जो एक दूसरा मुकदमा दर्ज था उसके चलते बॉबी कटारिया ने वहाँ पर सरेंडर किया और अब जो बी वारंट उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया है उसके ही तहत अब देहरादून की कोर्ट में ये पेशी होने की आज जानकारी मिल रही है कि बॉबी कटारिया को आज यहाँ लाया जा सकता है और उसकी पेशी यहाँ पर की जाएगी। तो सड़क पर खुलेआम शराब पीने का जो वीडियो वायरल था उसको लेकर ही लगातार जो है मुकदमा जब दर्ज हुआ था तो लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन जो बॉबी कटारिया था पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था। अब देखना होगा कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो यहाँ से किस क्या सज़ा दी जाती है और किस तरीके से पुलिस अपनी पूरी एक पैरवी कोर्ट में कर पाएगी कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसमें कितनी जो धाराएं थी, चाहे वो आईटी एक्ट की धाराएं हो या फिर खुलेआम शराब पीने पर जो है पब्लिक को रोकने की धाराएं हो, उसमें कितनी इस केस को मजबूत जो है उत्तराखंड पुलिस कर पाती है वो देखना होगा। क्योंकि पहले तो बॉबी कटारे को जहां दबिश दे रही थी, पकड़ने की कोशिश कर रही थी, 25,000 का इनाम कर दिया था लेकिन वो उनके पास नहीं आ पाया, वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था, लेकिन अब जिस तरीके से बी वारंट जारी करके उसको लाया जा रहा है उसके बाद देखना होगा कि किस पे क्या निर्णय जो है अदालत के द्वारा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दे दे, उत्तराखंड में आज होगा खेल महाकुंभ का शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह, खेल मंत्री रेखा आर्य शुरुआत करेंगे और सुबह 11 बजे युवा कल्याण निदेशालय पर यह कार्यक्रम रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को स्टेट लेवल पर मौका मिलेगा। प्रदेश भर में ग्रामीण स्तर पर आयोजित किया जाएगा खेल महाकुंभ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। सुबह 11 बजे युवा कल्याण निदेशालय में कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, स्टेट लेवल पर उन्हें खेलने का मौका मिलेगा तो उनके लिए बड़ा दिन रहेगा, उनके लिए बड़ा मौका होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।